अगर ये पत्थर मेरे लग जाता तो? कैसे लग जाता, कोई अनाड़ी नहीं, शिकारी हूँ शिकारी, वो भी कोई मच्छर मार शिकारी नहीं, पूरी चार चिड़ियों का निशाना बना के आया हूँ। छी छी छी, मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे कभी ना मिलती। क्यों? भला ये बेचारे भोले भाले पंछी किसी का क्या बिगाड़ते हैं, शिकार का इतना ही शौक है तो किसी आदम को शेर को मारो, किसी चीते का खून बहाओ। अच्छा ये बात है, तो कल ही शेर मार कर तुम्हारे पास ले आऊंगा। वो देखा जाएगा, पहले इधर आओ। खाओ हनुमान जी की कसम कि फिर भोले भाले पंछियों पर बंदूक नहीं उठाओगे। भाई कमाल है, हुक्म तो ऐसे चलाते हो जैसे कोई स्कूल मास्टर हो। नहीं खाओगे कसम? खाता हूँ बाबा खाता हूँ। जय बजरंग बली की। न जाने इस कल की छोकरी ने कैसा जादू कर दिया है कि मैं इसका कहा नहीं टाल सकता। मैं तुम्हारे सामने इसकी कसम खाकर ये वादा करता हूँ कि आज से मेरी बंदूक किसी भी पंछी पर नहीं उठेगी। अरे ये क्या, वादा करते ही उसे तोड़ने लगे। ओह ताजा ताजा वादा था ना, इसलिए जरा भूल गया। ये गाना सुनते हो तो क्या तूने मुझे बहरा समझा है? ये गाना तो मैं रोज सुनता हूँ। वो तो मैं भी सुनती हूँ, मगर यह बताओ कि यह कौन गाता है? गाता नहीं गाती है, आओ इधर आओ। वो सामने की पहाड़ी पर बंगला दिखाई दे रहा है ना, वहीं से गाने की आवाज आती है। कितना सुंदर घर है भोला, बड़े होकर तुम भी ऐसा घर बनवाना। घर तो इससे भी अच्छा बन जाएगा, लेकिन तू रहेगी इसमें? यह भी कोई पूछने की बात है, मैं नहीं होऊंगी तो तुम्हारे लिए खाना कौन बनाएगा, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अरे इतना कुछ करेगी मेरे लिए? यही क्या, मुझे तुम्हारे साथ वनवास भी जाना पड़े तो जाऊंगी सीता जी की तरह। ना बाबा ना, वनवास में कोई रावण मिल गया तो? अपने लिए तो अपना घर ही ठीक है। आओ चलें। कहां? वही तुम्हें गाना सुना दूं? पर मैंने तो इतनी बार सुना कि मुझे ज़बानी याद हो गया। अच्छा तो सुना ना। नहीं सुनाती। नहीं सुनाती? छूलोगे तो सुनाऊंगी। अच्छा कोई अपने पिया के परी।
मैं नहीं होंगी तो तुम्हारे लिए खाना कौन बनाएगा? तुम कभी उदास होगे तो तुम्हारा जी कौन बहलाएगा? ने मुझे पागल बना दिया था, मगर आज मुझे अचानक अपनी आत्मा की आवाज सुनाई दी। शंकर का जीवन बर्बाद करके आपने जो पाप किया था, मैंने उसका जीवन वापस करके उस पाप का प्रायश्चित कर दिया है ताकि आपकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना बाकी जीवन गंगा मैया के चरणों में व्यतीत कर सकूं। बहू, तुम हम सबको छोड़कर क्यों जा रही हो? तुमने शांता को केवल उसका सुहाग ही नहीं दिया बल्कि इस घर को उसका रखवाला दिया है, माँ बाप को उनका सहारा दिया है। मुझ पर एक एहसान और करो बेटा, अपना फैसला बदल दो। इस घर के साथ ईश्वर को मेरा इतना ही संबंध मंजूर था। मत रोइए मामी जी, जीवन तो जन्म जन्म का खेल है। ईश्वर ने चाहा तो अगले जन्म में फिर आपकी सेवा करूंगी। मुझे मेरे सुहाग का दान देख तुम इस तरह नहीं जा सकती। अगर तुम्हें तीर्थ जाना ही है तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। ना शांता, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारा तीर्थ तो तुम्हारे सामने है।